टीडीएस ऑन नॉन रेजिडेंट 195। इसको समझने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। सेक्शन 195 स्पेसिफिकली डिनोट किया गया है नॉन रेजिडेंट को। तो अगर नॉन रेजिडेंट को हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 195 स्पेसिफिक सेक्शन है जो ये लगता है, सारी इनकम जो नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं। एक सैलरी को छोड़ दो जिसमें सेक्शन 192 लगता है और डिविडेंड को छोड़ दो, रेस्ट ऑफ द इनकम आपको सेक्शन 195 ही यूज़ करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पर रिटर्न जमा होगी एंड उसी के बेसिस पर चालान जमा होगा। उससे पहले हमें टीडीएस जमा करने से पहले हमें टैन ऑब्टेन करना पड़ता है। ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है। जब आप टैन ऑब्टेन कर लेते हो तो फिर आप जब भी आप एनआरआई को पेमेंट करेंगे तो उसका टीडीएस काटेंगे, और टीडीएस जब काटोगे उसको आपको जमा करना है ऑन एंड बिफोर 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन विच टीडीएस वॉज डिडक्टेड। जिस महीने हमने टीडीएस काटा उसके 7 तारीख से पहले हमें जमा कराना है। जमा कराने के बाद हमें उसकी क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करनी है, क्योंकि जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो जाके उसको फॉर्म 26A में उसको अपना टीडीएस रिफ्लेक्ट दिखेगा। सो आपकी जो अप्रैल से जून की जो क्वार्टर टीडीएस होती है वो आपको फाइल करना है बाय 15 जुलाई। सिमिलरली 1 जुलाई से सितंबर तक, 15 अक्टूबर एंड सो ऑन, पर जो लास्ट का क्वार्टर है 1 जनवरी से 31 मार्च तक वो आप फाइल कर सकते हो 15 मई तक। जब आप टीडीएस फाइल कर लेते हो देन उसके बाद आपको फॉर्म 16A सर्टिफिकेट निकाल के नॉन रेजिडेंट को देना है विद इन 15 डेज ऑफ ड्यू डेट फॉर टीडीएस रिटर्न फॉर द क्वार्टर। तो 15 जून को जैसे आपकी ड्यू डेट है उसके 30 जून को आपको फॉर्म 16A भी उनको देना है। जब भी आप टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको फॉर्म 27Q के बेसिस पर ही आप फाइल कर सकते हैं। क्या क्या रेट लगेंगे अंडर 195, जैसे NRI ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और इसकी इनकम आप NRI को पे करते हो तो 20.80% आपको TDS काटोगे। सिमिलरली इनकम होती है अगर नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 10.40%, इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेन 10.40, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 15.60, एनी अदर इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म इज 20.80। सिमिलरली इंटरेस्ट पे करते हो ऑन मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी देन 20.80, बाय वे ऑफ रॉयल्टी 10.40 एंड एनी अदर इनकम इज 31.20। अगर आप सेक्शन 195 का कंप्लाई नहीं करते और टीडीएस नहीं काटते तो जो आपका खर्चा है वो एक डिसअलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 40a। अगर आप टीडीएस काट लेते हो पर जमा नहीं कराते विद इन द ड्यू डेट तो इंटरेस्ट लगेगा 1.5% ईच मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। एक दिन का भी डिले फुल मंथ का इंटरेस्ट आपको लग जाएगा पूरा, और पेनल्टी इक्वल टू द टीडीएस अमाउंट विल बी इम्पोज अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करा पर पेड नहीं करा। मतलब टीडीएस डिडक्ट करके पेड नहीं करा सबसे बड़ा क्राइम है। टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए वो एक अलग है, पर टीडीएस जमा करके डिडक्ट करके जमा नहीं कराया ये थोड़ा ज़्यादा क्राइम है। नॉन रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकता है नील टीडीएस डिडक्शन का अगर नॉन रेजिडेंट का कोई एरियाज ऑफ टैक्सेस नहीं है, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं है इंडिया में, वो 5 साल एटलीस्ट बिजनेस कर रहा है इंडिया में
और उसके फिक्स एसेट्स 50 लाख इंडिया में है मिनिमम, एंड ही हैज़ बीन रेगुलरली असेस्ड टू टैक्स एंड सबमिट ऑल रिक्वायर्ड इनकम टैक्स रिटर्न, एंड सेक्शन 271 डज नॉट इम्पोज एनी पेनल्टी ऑन नॉन रेजिडेंट, तो जाके वो ऑब्टेन कर सकता है नील सर्टिफिकेट। क्या सेक्शन 195 सैलरी डिविडेंड पर लग सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 192 स्पेसिफिक करता है सैलरी पर, विट इंक्लूड रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, और डिविडेंड जो कंपनियों से मिलता है वो रेसिपिएंट के हाथों में टैक्सेबल है, जहाँ पर टैक्स रेट है 20% प्लस सरचार्ज प्लस 4% सेस करके बन जाता है। ड्यू डेट मैंने आपको बताई दी है, हर महीने के नेक्स्ट मंथ पे 7 तारीख को ड्यू डेट आपका फॉल होता है, जो आपको जमा कराना पड़ेगा। सो कंक्लूजन ये है, सेक्शन 195 एक स्पेसिफिक सेक्शन है नॉन रेजिडेंट को, सैलरी और डिविडेंड को छोड़ के बाकी उनको एक कॉमन सेक्शन में ही उनको फुलफिल करना पड़ता है। जो भी पेमेंट हम नॉन रेजिडेंट को देते हैं उनका टीडीएस काटना हमें बहुत ज़रूरी है।